नमस्कार, मैं प्रिया। आज 1 नवंबर खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना एम्स में नौकरी का मौका, छठ में गांव के हर घर की रखनी होगी खबर। बिहार में 1530 किलोमीटर लंबे नए हाईवे की बदलेगी तस्वीर। बिहार में अब जमीन का स्वरूप बदलवाना होगा आसान। 1 नवंबर से इन चीजों में हो सकता है बदलाव। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। पटना एम्स में नौकरी का मौका। अगर आप भी पटना एम्स में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये खबर कुछ खास है। पटना एम्स ने स्टोर कीपर से लेकर जूनियर वार्डन तक के 280 पदों के लिए आवेदन की मांग की है, जिसके तहत सबसे अधिक नर्सिंग ऑफिसर के 200 पद शामिल है। इसके अलावा 10 पद स्टोर कीपर, 1 पद असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, 4 पद जूनियर इंजीनियर, 1 पद लीगल असिस्टेंट, 3 पद मेडिको सोशल वर्कर, 8 पद सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2, 16 पद स्टेनोग्राफर, 16 पद जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, 25 पद स्टोर कीपर कम क्लर्क और 6 पद जूनियर वार्डन के शामिल है, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर से होने वाली है, जो कि अगले 30 दिनों तक जारी रहेगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन भर सकते हैं। बिहार को जल्द मिलेगी 342 मेगावाट से अधिक बिजली। बिहार में जल्द ही बिजली की समस्या खत्म होने वाली है, क्योंकि जल्द ही बिहार में 342 मेगावाट से अधिक बिजली मिलने वाली है। एनटीपीसी बाढ़ स्टेज 1 की पहली यूनिट ने अपने 72 घंटे के ट्रायल रन ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इससे बिहार को जल्द 342 मेगावाट से भी अधिक बिजली मिलने लगेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एनटीपीसी राज्य के औसत दैनिक आवंटन का लगभग 70% बिजली की आपूर्ति करती है। ये 4 से 4,500 मेगावाट के बीच है। इसे एनटीपीसी बाढ़ के कुशल इंजीनियरों ने अपने उत्कृष्ट कौशल और निर्णय क्षमता से किया है। ट्रायल ऑपरेशन के सफल होने पर एनटीपीसी बाढ़ के कार्यकारी निदेशक और परियोजना प्रमुख एसएन त्रिपाठी ने बधाई दी है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे सत्यपाल चंद्र की। सत्यपाल चंद्र का जन्म 1 नवंबर 1987 को हुआ था। वो एक भारतीय लेखक और उद्यमी है। वो मैगटैप टेक्नोलॉजी और आउटलैंडर्स मीडिया के संस्थापक है। उन्होंने विभिन्न शैलियों के उपन्यास लिखे हैं। वो बिहार के गया जिले में स्थित एक दूर दराज गाँव मल्हारी के रहने वाले हैं। वो बहुत छोटे किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। चीजें जैसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए उनका बचपन बहुत कठिन था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा एसएस हाई स्कूल पांडेपुरा चतरा झारखंड में स्थित एक सरकारी स्कूल में पूरी की है। उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज गया बिहार से पूरी की। उन्होंने उच्च माध्यमिक तक हिंदी माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी की। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों में विभिन्न सम्मान और पुरस्कार शामिल है। दानापुर बेहटा एलिवेटेड रोड और आमस दरभंगा हाईवे का टेंडर जल्द होगा जारी। दानापुर बेहटा एलिवेटेड रोड और आमस दरभंगा हाईवे का टेंडर जल्द ही जारी होने वाला है। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने एनएच से जुड़ी सड़क परियोजनाओं की समीक्षा के क्रम में ये निर्देश दिया है कि बहुप्रतीक्षित परियोजना दानापुर बेहटा एलिवेटेड सड़क के निर्माण को लेकर निविदा से जुड़े काम को शीघ्र किया जाए। इस बैठक में पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि भारतमाला श्रृंखला के तहत बनने वाली आमस दरभंगा हाईवे के सभी 4 पैकेज की निविदा शीघ्र की जाए। इसके साथ ही उन्होंने एनएच 107 के महेश खूंट सहरसा मधेपुरा पूर्णिया के दोनों पैकेज के काम में तेजी लाने की भी बात कही है। छठ में गांव के हर घर की रखनी होगी खबर। महापर्व के बीच मनाए जाने वाले छठ को देखते हुए संक्रमण से बचाव के उपाय शुरू कर दिए गए हैं, जिसके तहत एक ओर जहां प्रदेश के बस अड्डों, हवाई अड्डे के साथ रेलवे स्टेशन पर अन्य राज्यों से अपने प्रदेश लौटने वालों को कोविड टेस्ट और वैक्सीनेशन रिपोर्ट की जांच की व्यवस्था की गई है, वहीं अब गांव की सीमा में आने वालों पर नजर रखने की भी तैयारी है। जीविका, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। ऐसे व्यक्ति की पहचान होने पर जीविका आशा कार्यकर्ता उनसे मिलकर ये जानकारी लेंगी कि उनके पास कोविड टेस्ट के 72 घंटे पहले की रिपोर्ट है या नहीं। बिहार में 1530 किलोमीटर लंबे नए हाईवे की बदलेगी तस्वीर। बक्सर से चंपारण और पटना से दरभंगा वासियों को बहुत ही फायदा मिलने वाला है, जिसके तहत बिहार में 1530 किलोमीटर लंबे 7 नए हाईवे से तकदीर सवरने वाली है। भारतमाला फेज 2 के तहत इन सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव बिहार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को दे दिया है। फिलहाल वित्त मंत्रालय इसका अध्ययन कर रहा है। आपको बता दें कि ये सड़क परियोजनाएं पटना, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, बिहार शरीफ, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, चंपारण सहित नेपाल से सटे इलाके और उत्तर पूर्व बिहार के कई जिलों को लाभान्वित करेगी। 1 नवंबर से इन चीजों में हो सकता है बदलाव।
अक्टूबर महीने के खत्म होने के साथ ही नए महीने की शुरुआत आज से होने वाली है। वहीं नए महीने के साथ ही नए नियमों को लागू भी होना लाजमी है। मिली जानकारी के अनुसार नवंबर के पहले सप्ताह में बैंकिंग कामकाज निपटाने में दिक्कत। नवंबर का ये महीना त्योहारों से भरा होने वाला है, तो छुट्टियों का हिसाब किताब समझना होगा, क्योंकि नवंबर में दिवाली, छठ आदि की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में कुल 17 दिन बैंक नहीं खुलेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है वो है घर आने वालों के लिए, क्योंकि घर जाना आसान होने वाला है, क्योंकि दिवाली और छठ त्योहार को देखते हुए रेलवे के कई नई स्पेशल ट्रेन आज से शुरू होने वाली है। कई ट्रेनों का संचालन नवंबर महीने में अलग अलग तारीख पर शुरू होगा। अगला नियम है सभी व्हाट्सएप यूजर के लिए। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप 1 नवंबर से कई स्मार्टफोन पर काम करना बंद कर देगा। वहीं 1 नवंबर से SBI एक नई सुविधा की शुरुआत करने जा रहा है, जिसके तहत पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक नहीं जाना होगा। वहीं अगर हम इस महीने के आखिरी बदलाव की बात करें तो निवेशकों के लिए है। ऐसे में अगर आप निवेशक है या शेयर बाजार में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के जरिए कमाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बड़ा मौका है। बिहार में अब जमीन का स्वरूप बदलवाना होगा आसान। बिहार में अब जल्द ही जमीन का स्वरूप बदलने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर सरकारी स्तर पर भारी भड़कम शुल्क देना पड़ता था, साथ ही काम करने के लिए बहुत पैसे भी देने पड़ते थे। इतना ही नहीं, कई बार भूस्वामी को बड़ा नुकसान भी हो जाता था। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने जमीन के परिवर्तन शुल्क में कमी का ऐलान किया है। यह ऐलान राज्य में भूमि सुधार की तेज होती गति का ही हिस्सा है। मंत्री ने कहा है कि अब SDO के अलावा DCLR को भी जमीन की प्रकृति में बदलाव का अधिकार मिलेगा। बिहार सरकार ने 26 BDO पर की कार्रवाई। कामकाज में ढिलाई करने वाले अधिकारियों पर बिहार सरकार की सख्ती लगातार देखने को मिल रही है। यही कारण है कि बिहार के कई प्रशासनिक अधिकारियों पर बिहार सरकार अब तक नकेल कसने का काम कर चुकी है। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से बिहार सरकार की तरफ से 26 BDO पर नकेल कसने का काम किया गया है। काम में लापरवाही बरतने, गड़बड़ी करने और लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां सुनवाई के दौरान गायब रहने के कारण बिहार सरकार ने विभिन्न जिलों के 26 BDO पर कार्रवाई की है, जिसके तहत नालंदा, गया, आरा और सीतामढ़ी समेत कई जिलों के अधिकारियों पर एक्शन दिया गया है। बिहार के पुनौरा स्थित जानकी मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। ऐसे में आज बिहार के पर्यटन स्थलों में हम बात करेंगे पुनौरा स्थित जानकी मंदिर के बारे में। यह स्थान पौराणिक काल में पुंडरिक ऋषि के आश्रम के रूप में विख्यात था। कुछ लोगों का यह भी मत है कि सीतामढ़ी से 5 किलोमीटर पश्चिम स्थित पुनौरा में देवी सीता का जन्म हुआ था। मिथिला नरेश जनक ने इंद्रदेव को खुश करने के लिए अपने हाथों से यहां हल चलाया था। इसी दौरान एक मृदा पात्र में देवी सीता बालिका के रूप में उन्हें मिली थी। मंदिर के अलावा यहां पवित्र कुंड है, तो अगर आप कभी भी बिहार आए तो पुनौरा स्थित जानकी मंदिर जरूर जाएं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरदार पटेल और इंदिरा गांधी को किया नमन। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन लौह पुरुष सरदार पटेल और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नमन किया, जिसको लेकर सीएम और राज्यपाल ने चितकोहरा पुल के समीप सरदार पटेल की प्रतिमा परिसर में आयोजित राजकीय समारोह में उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के निर्माण और इसे एकजुट करने में सरदार पटेल की बड़ी भूमिका है। लोग हमेशा इसे याद रखेंगे। नई पीढ़ी को भी इन बातों को जानना चाहिए। हम लोगों की इच्छा है कि देश की आजादी और आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण में उनकी जो भूमिका है उसे नई पीढ़ी के लोग जाने। बिहार में जल्द ही भरे जाएंगे BRC और CRC के सभी खाली पदों को। बिहार में जल्द ही BRC और CRC के सभी पदों को भरने की तैयारी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में MGM योजना को दुरुस्त करने पर जोर दिया जा रहा है। इस बाबत बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि मार्च तक प्रदेश के सभी प्रखंड संसाधन केंद्रों और संकुल संसाधन केंद्रों के खाली पदों को भर दिया जाएगा। वर्तमान समय की बात करें तो अभी 45% पद खाली है। सभी पदों के भरे जाने से मिड डे मील योजनाओं के क्रियान्वयन में और बेहतरी आएगी। ये बातें उन्होंने अभिलेख भवन में मिड डे मील योजना का कार्यान्वयन के लिए लागू सिंगल नोडल अकाउंट सिस्टम के संचालन हेतु 2 दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम के दौरान कही है। मनरेगा से 20 जिलों में बनेंगे 1427 चेक डैम। बिहार में जल्द ही मनरेगा योजना के तहत 20 जिलों में चेक डैम बनाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए राज्य के मनरेगा आयुक्त CP खनुजा के सभी DM और DDC को पत्र भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार एक चेक डैम बनाने पर लगभग 1 करोड़ तक खर्च किए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि इसमें एंटी फ्लड स्लुइस चैनल का भी निर्माण किया जाएगा। ज्ञात हो यह सभी चेक डैम सिंचाई निश्चय योजना के तहत चयनित किए गए हैं। इसके लिए 5 विभागों को मिलाकर इसका सर्वेक्षण कराया गया था। ज्ञात हो सर्वाधिक चेक डैम गया और बांका में बनाए जाएंगे। सबसे कम एक चेक डैम बक्सर जिले में डुमराव में बनेगा।
उत्तर बिहार में दिखने लगा मौसम में बदलाव। उत्तर बिहार के जिलों में मौसम बदला नजर आने लगा है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहेगा, वहीं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। तापमान में गिरावट की वजह से रात और सुबह भी हल्की ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। 3 नवंबर तक के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान प्रायः साफ और मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान के सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नीचे रहने के कारण सुबह और रात में हल्की ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। छठ पर सभी अस्पताल होंगे तैयार। जल्द ही बिहार में छठ का त्योहार मनाया जाना है, इसको लेकर बिहार सरकार ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके तहत छठ के दौरान अस्पतालों को चाक चौबंद के साथ रखने की बात कही गई है। साथ ही घाटों पर अस्पताल टीम भी बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एम्बुलेंस और दवाओं की सुविधा भी जल्द ही मिलने वाली है। इस बाबत स्वास्थ्य विभाग ने छठ महापर्व को लेकर सभी जिलों के सिविल सर्जनों को सभी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के अनुसार 8 से 11 नवंबर तक इस साल छठ महापर्व का आयोजन होगा। इस मौके पर नदियों, घाटों एवं तालाबों पर छठ व्रतियों एवं उनके परिवार के सदस्यों की भारी भीड़ जमा होती है, इसलिए सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाए। स्लो वैक्सीनेशन ने बढ़ाई टेंशन, बिहार समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से होगी बातचीत। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन की रफ्तार जोर शोर से किए जाने की मांग है। हालांकि उम्मीद के अनुसार वैक्सीनेशन अभी नहीं हो रही है, जिससे स्वास्थ्य महकमा परेशान है। यही कारण है कि राज्यों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की रिपोर्ट जानने के लिए 3 नवंबर को 11 मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और भारती पावर की उपस्थिति में राज्यों की टीकाकरण क्षमता बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई है, जिनकी वर्तमान संख्या राष्ट्रीय औसत से कम है। इस सूची में बिहार का भी नाम शामिल है। ऋषि रंजन का अंतिम संस्कार होगा पुलिस सम्मान के साथ। बेगूसराय के ऋषि रंजन ने शनिवार को दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद से ही जिले में गम का माहौल है। वहीं अब ऋषि रंजन के अंतिम संस्कार को लेकर बिहार में तैयारियां तेज हो गई है। बेगूसराय जिला के निवासी लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन के शहीद होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी शहादत को देश हमेशा याद रखेगा, वो इस घटना से काफी दुखी है। मुख्यमंत्री ने वीर सपूत की शहादत पर उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की भगवान से प्रार्थना की है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस सम्मान के साथ शहीद अंतिम संस्कार की बात भी कही है। 13 सालों के बाद पटना जिला क्रिकेट संघ का चुनाव हुआ संपन्न। 13 साल के लंबे इंतजार के बाद पटना जिला क्रिकेट संघ का चुनाव बीते दिन संपन्न हो गया। वार्षिक आम सभा और पदाधिकारियों के चुनाव संपन्न कराने की जानकारी अध्यक्ष प्रवीण कुमार तनवीर ने दी है। उन्हें फिर से अध्यक्ष की कुर्सी मिली है। वहीं रहबर आबदीन को उपाध्यक्ष की कुर्सी मिली है। अब सभी पदों पर निर्वाचित सदस्यों को जीत का प्रमाण पत्र बीते दिन ही दे दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले पिछला चुनाव 13 जुलाई 2008 को 2 साल की अवधि के लिए हुआ था। उसके बाद अब 2021 में पटना जिला क्रिकेट का चुनाव संपन्न हुआ। इस बाबत अध्यक्ष ने बताया है कि 2-3 सालों में कोविड-19 के कारण जिला क्रिकेट लीग बाधित हुआ है। आगे PDCA के चुनाव के बाद नई कमेटी के गठन हो जाने से क्रिकेट लीग सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। चुनाव आयोग ने मानी राजद की मांग। बिहार विधानसभा उपचुनाव की मतगणना 2 नवंबर को होने वाली है, जिसके बाद दोनों सीट पर विजेता के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि चुनावी परिणाम को लेकर शुरू से ही राजद कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाती रही है। यही कारण है कि राजद की तरफ से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती करने की मांग की गई थी, जिसके बाद बिहार विधानसभा उपचुनाव की मतगणना पर राजद की मांग का असर होता दिख रहा है। चुनाव आयोजन को लेकर के 2 नवंबर को दोनों सीट की मतगणना सुबह 8 बजे से बैलेट पोस्टल वोटों से गिनती कराने की बात कही गई है। हालांकि आयोग ने साफ कर दिया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती अलग कमरे में होगी। गौरतलब है कि राजद ने EVM और पोस्टल बैलेट की गिनती एक ही कमरे में कराने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने दोनों की गिनती अलग अलग कमरों में करने की मांग की है। मदन मोहन झा ने कांग्रेस को हार जाने के बाद बदनाम नहीं करने की दी नसीहत। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब परिणाम की बारी है। हालांकि परिणाम आने से पहले ही बिहार की राजनीतिक आबोहवा बदलती नजर आ रही है, क्योंकि सभी दल अपनी जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी बीच उपचुनाव को लेकर राजद से अलग हुई कांग्रेस ने भी राजद को 2 टूक नसीहत दी है, जिसके तहत बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने राजद पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर उपचुनाव में राजद के प्रत्याशी हार गए तो फिर कांग्रेस को बदनाम मत करिएगा। वहीं राजद से अलग होकर इस उपचुनाव में दोनों सीट पर चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के नेता ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। जन्मदिन पर इमोशनल हुए चिराग पासवान। बीते दिन चिराग पासवान ने अपना जन्मदिन मनाया, वहीं इस दिन उन्होंने इमोशनल मैसेज शेयर किया है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर
पहले तो अपने पिता को याद किया और उसके बाद कहा कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। इससे पहले चिराग पासवान ने शनिवार की देर रात माता रीना पासवान और पिता रामविलास पासवान के साथ वाला पुराना वीडियो भी ट्वीट किया, जिसमें दोनों उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि आज के दिन आपके पैर छूता था और आज आपको मिस कर रहा हूं। इसके साथ ही बीते दिन जन्मदिन पर चिराग पासवान अपने समर्थकों के साथ पटना स्थित महावीर मंदिर पहुंचे और भगवान श्री राम और हनुमान का आशीर्वाद लिया। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। कलकत्ता में 1881 को चौम सेवा सियालदह तथा आर्मेनिया घाट के बीच शुरू हुई। पनामा की जनता का संघर्ष 1903 में सफल हुआ और यह देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता सेनानी तारक नाथ दास ने कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर आंदोलन की शुरुआत 1913 में की। भारत में 1950 में पहला भापिंजन चितरंजन रेल कारखाने के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया। 1956 में कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई। भाषा के आधार पर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। राजधानी दिल्ली को 1956 में केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया। बिजवाया गोपाल रेड्डी को 1956 में आंध्र राज्य के मुख्यमंत्री के पद मुक्ति। 1966 में हरियाणा और चंडीगढ़ राज्य की स्थापना हुई। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी का जन्म 1964 में आज ही के दिन हुआ था। आठ विकेट से भारत को दी मात। बीते दिन न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेले गए मुकाबले में भारत को एक बार फिर से करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके तहत न्यूजीलैंड ने कुल मिलाकर 8 विकेट से भारत को हराया है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। सुपर 12 के ग्रुप 2 के मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। इस हार के साथ ही भारत के सेमीफाइनल पहुंचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के बाद लगातार दूसरे मैच में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया। राहुल 18 रन, ईशांत 4 रन, रोहित 14 रन, कोहली 9 रन, पंत 12 रन, हार्दिक 23 रन, शार्दुल 0 नहीं बना सके। वहीं जडेजा 26 रन बनाकर नाबाद रहे। कोविड संक्रमित हुई उर्मिला मातोंडकर। कोरोना के मामले भले ही कम हुए हो, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। इसी कड़ी में बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री और राजनीति में सक्रिय रहने वाली उर्मिला मातोंडकर कोरोना संक्रमित हो गई है और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। उर्मिला ने ट्विटर पर लिखा, मैं कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हूं। मैं ठीक हूं और घर पर आइसोलेट हूं। मेरे संपर्क में आए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वो तत्काल अपनी जांच करवाएं। आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि दिवाली के दौरान अपना खास ख्याल रखें। आपको बता दें कि इन दिनों देश भर में कोरोना संक्रमितों के मामले 14,000 से 15,000 के बीच आने लगे हैं। गिरिराज सिंह ने मोदी सरकार के गाए गुणगान। बीते दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मोदी सरकार के खूब गुणगान गाए। इस दौरान उन्होंने BMS बरौनी औद्योगिक नगरी को बचाने का काम करने की अपील की। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से किए गए काम में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई योजनाओं को देने की बात कही है, जिसमें उन्होंने सिमरिया गंगा नदी पर 6-लेन पुल, रेलवे पुल, NTPC हल्ड कारखाना, बरौनी रिफाइनरी का जीर्णोद्धार, 4-लेन सड़क, सिमरिया का मॉडल स्टेशन बनाने सहित अन्य कार्यों की स्वीकृति देने की बात कही है। ज्ञात हो ये सभी बातें गिरिराज सिंह ने बीते दिन बिहटा स्थित मिथिला परिणय भवन में आयोजित बिहार प्रदेश भवन और पथ निर्माण मजदूर संघ संबंध BMS के प्री वार्षिक प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए कही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कुमार राहुल, पंकज कुमार दास, नवीन कुमार, सचिन कुमार, शंकर मुखिया, मोहम्मद फैजान, सतीश आजाद, मनीष मोहरा, मिथिलेश यादव, माही आनंद। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम के हार का अहम कारण क्या था? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। धन्यवाद।